दोस्तों नमस्कार, मैं एचपी सिंह। दोस्तों आप सब कैसे हो? दोस्तों आज हम बड़े अहम मुद्दे पर बात करेंगे कि योगा के साथ साथ जो है हम कैसे खाएं, कैसे रहें ताकि हम बीमार भी ना पड़े, इसके बारे में बात करेंगे। यस दोस्तों, आज हम अपने रूटीन वे में जो हमारी लाइफ कैसे चलती है, क्या खाते हैं, क्या खाएं कि हम बीमार ही ना पड़े, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं बिना दवा के, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आज हम। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लहसुन के बारे में बताएंगे, गार्लिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि इसको खाने से क्या फ़ायदा है और इसको क्यों खाना चाहिए, ये हमारे इम्यून सिस्टम को कितना स्ट्रॉन्ग करता है, इसको खाने से क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे वर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, गार्लिक जो है वो बहुत ही फायदेमंद है। यदि आप सवेरे फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद 3 से 4 जवा लहसुन खुद छीलते हैं और उसको दांतों से चबा चबा के खा जाते हैं, तो आपको पहली बात तो डायबिटीज नहीं होगी, कभी भी डायबिटीज आपकी नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्रोमियम पाया जाता है। जब हमारे शरीर में क्रोमियम की मात्रा कम हो जाती है तो हमको डायबिटीज अटैक कर देता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। अगर हमारे अंदर बैड जो कोलेस्ट्रॉल है उस कोलेस्ट्रॉल को ये खत्म कर देता है, एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये बढ़ा देता है, ट्राइग्लिसराइड को भी खत्म कर देता है, यानी कि दवाई लेने की जरूरत नहीं। ये कैंसर रोधक तत्व इसमें पाए जाते हैं, इसमें एलीन होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। यदि आप इसको लेते हैं तो ना तो आपको किसी तरह का कोई कैंसर होगा, ना ही इन्फेक्शन होगा और ना ही आपको बार बार आप बीमार पड़ेंगे, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। और बड़े मज़े की बात है कि आपका चेहरा जो है वो दिन प्रतिदिन सुंदर होता चला जाएगा, क्योंकि आप बीमार नहीं पड़ोगे तो चेहरे का ग्लो जो बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज़, जो अहम चीज़ हमारी होती है, जब हम गार्लिक लेते हैं तो गार्लिक में ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे जनन अंग को प्रेरित करती हैं, हमारा खून पतला हो जाता है जब गार्लिक लेते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी में बहुत तेज़ी से रक्त संचार होता है, जो जनन अंग में भी हमारे रक्त संचार करता है, उससे हमारा सेक्सुअल लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए भी इसको खाना चाहिए, चाहे लेडीज़ खाती हैं चाहे जेंट्स खाते हैं। दूसरी चीज़, गर्भवती माँ के लिए, बच्चों के लिए, जो पेट में बच्चा पलता रहता है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज़, जैसे माँ बहनें हैं, किसी किसी का जो है पैर में सूजन आ जाती है, पैरों में यहाँ से वहाँ तक पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है, उस सूजन की वजह से वो परेशान रहते हैं, अगर आप गार्लिक लेते हैं तो वो सूजन अपने आप ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे पैरों के नीचे जो है जो खून मोटा हो जाता है वो ऊपर नहीं फिल्टर जा नहीं पाता, तो फिल्टर नहीं होता है, इसीलिए वो एजिटिज मोटा बना रहता है। जब से ही हम गार्लिक लेते हैं वैसे ही वो खून पूरा पतला हो जाता है, वो बचा हुआ खून भी फिल्टर हो जाता है, तो हमारे पैर से, हमारे माँ बहनों के पैर से मोटापा जो है, जो पैर मोटे रहते हैं, वो ऑटोमेटिक बिना दवा के ठीक हो जाते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि इसमें बड़ा तीखा होता, सब लोग इस्तेमाल नहीं करते, बहुत लोग तो इससे एलर्जी भी होती है। सबसे पहले आपको कब खाना है, खाली पेट लहसुन बहुत फायदेमंद है। आप फ्रेश हुए सवेरे, तुरंत उठे, 2 से 4 से 3 से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप धीरे धीरे मुंह में डालिए, दांत से चबा चबा के खा जाइए, लेकिन पानी नहीं पीना है आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद अपना रूटीन आप चालू कर सकते हो। उसके बाद आप एनी टाइम इसको खा सकते हैं। जब इसको हम अपने भोजन में पकाते हैं तो इसके तत्व खत्म हो जाते हैं, इसको कच्चा खाने से ही फायदा है। अगर आप इसको खाते हो तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, नक से सिख तक जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपके बाल भी फाल नहीं होंगे, नहीं गिरेंगे। सब अगर आपका दांत दर्द कर रहा है तो एक लहसुन को छील करके थोड़ा सा उसको गर्म करिए,
कड़वा तेल में पहले डुबो लीजिए, फिर उसको गर्म करिए। गर्म करने के बाद जहाँ पर आपका दांत दर्द कर रहा है वहीं पर आप इसको हल्के से दबा लीजिए। आप देखेंगे कि 10 मिनट के अंदर आपका दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं। सबसे अहम चीज़, अगर कोई दाना कहीं पड़ जाता है, बदरैया या ततैया काट लेती है, मधुमक्खी काट लेती है, या कोई कीड़ा रेंग जाता है, आप कहते हैं कि मकड़ी अगर रेंग गई तो उससे भी दाने पड़ जाते हैं, तो आप लहसुन के मुंह को काट करके उसके रस को आप वहाँ लगा लीजिए, रगड़ दीजिए, तो आपका वो अपने आप ठीक हो जाता है। क्योंकि ये फंगल बैक्टीरिया है, फंगल चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो लहसुन का सेवन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है और एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियाज है। इसमें सारे वो तत्व पाए जाते हैं। जैसे आपके कीड़ा रेंग गया तो यहाँ लहसुन रगड़ दीजिए। यदि आपको मसा हुआ है और लहसुन को कूट करके आप उस पर रख देते हो तो आपका मसा वो ख़त्म हो जाएगा, दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो हमारे घर में पड़ा हुआ है, हमारे घरों में, सबके घरों में लहसुन रहता है जो सब्जियों में काम आता है, तो इसका प्रयोग करिए और डायबिटीज़ की बीमारी से बचिए, बीमारी से बचिए, सर्दी जुखाम से बचिए, सेक्सुअल पोजीशन आपकी स्ट्रांग हो जाती है उसकी बचिए, स्त्री पुरुष दोनों इसको ले सकते हैं। तो ये आपको कैसा लगा और लेना प्रारंभ कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आइकन बटन बजाइए, ताकि हम जितने भी वीडियो आपके पास अपलोडेड भेज रहे हैं वो अपने आप मोबाइल पहुंचाता रहे। इसी के साथ दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं कि अपना एक रूटीन वे गार्लिक लेने का बना लीजिए। यदि आप इसको लेते हो तो आप बिल्कुल चंगे रहोगे, ज़रा भी कोई बीमारी आपको जल्दी नहीं आएगी, और आपकी एज को ये 7 ईयर्स नीचे ले आता है, यानी कि अगर आप इसको लेते हो तो 7 साल कम लगोगे अपनी एक्चुअल एज। तो दोस्तों आज से ही इसको लेना प्रारंभ करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, अपने यार दोस्तों में शेयर करिए इसको। इसी के साथ हम इसका समापन करते हैं यहीं पे। जय हिंद, नमस्कार।